video contains 10 vocabulary building words for 23 March 2021. All the words have been taken from articles sent on this date. First word is unconscionable. मैंने आर्टिकल के टाइटल से लिया है, जिसका टाइटल है एन अनकॉन्शनेबल एक्ट. अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है समवन दैट हु लैक्स कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है? मॉरल सेंस. तो जिसके अंदर मॉरल सेंस ना हो, ठीक है, मॉरल ड्यूटी का सेंस ना हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि एकदम ही बेशरम है, वो होता है अनकॉन्शनेबल. सेकेंड वर्ड इज एक्सपैट. मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है नो राइट्स डिस्पाइट रिफॉर्म्स. इसके पैरा थर्ड में एक लाइन है बट देयर इज इनफ टू गो अराउंड इवन आफ्टर टारगेट्स आर मेट फॉर द एक्सपैट्स. एक्सपैट्स कौन होते हैं? एक्सपैट्स वो लोग होते हैं जो कंट्री में नहीं होते, अपनी कंट्री से कहीं बाहर होते हैं. अ पर्सन और अ पीपल हु आर वॉलंटरी एबसेंट फ्रॉम होम और अ कंट्री, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं प्रवासी, जो देश में नहीं रहते, ठीक है, दूसरे देश में रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, जिनको देश निकाला मिल गया होता है, एक्साइल में होते हैं. रिफ्यूजीज भी को भी हम जो है एक्सपैट्स कह सकते हैं. द थर्ड वर्ड इज रैम्पेंट. ये वर्ड मैंने आर्टिकल से, सेम ही आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है नो राइट्स डिस्पाइट रिफॉर्म्स. वहां पे एक लाइन है देयर इज नो मैकेनिज्म टू एड्रेस रैम्पेंट वेज थेफ्ट. रैम्पेंट का क्या मतलब है? रैम्पेंट इज समथिंग दैट इज अनरिस्ट्रेंड एंड वायलेंट, ठीक है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जो बहुत ही तेजी से बढ़ता हो, ठीक है, जिसपे हमारा नियंत्रण ना हो, नियंत्रण यानी कंट्रोल ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, अनगवर्न्ड हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, वो हो गया रैम्पेंट. द फोर्थ वर्ड इज अवर्ड. ये मैंने आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है गेटिंग इट राइट ऑन द एल ए सी डिसएंगेजमेंट. उसके पैरा फर्स्ट में एक लाइन है सम हैव अवर्ड दैट द म्यूचुअल विड्रॉल अमाउंट्स टू. अवर्ड का मतलब होता है असर्टेड, यानी कि दावे के साथ कोई चीज कहना, ठीक है, रिपोर्ट करना, प्लीड करना, अफर्म्ड मतलब, ठीक है, फर्मली कोई चीज कहना, डिक्लेयर करना कोई चीज, वेरीफाई करना, वो हो गया अवर्ड. द फिफ्थ वर्ड इज गैरिसन. ये मैंने पैरा टू ऑफ द आर्टिकल गेटिंग इट राइट ऑन टू द एल ए सी डिसएंगेजमेंट से लिया है, जहां पे लिखा है सिंस इट एनेबल्ड इंडिया टू डोमिनेट चाइनीज गैरिसन एट मॉल्डो. गैरिसन क्या होता है? गैरिसन इज अ फोर्टिफाइड मिलिट्री पोस्ट, जो सेना का किला होता है, जिसे हम गढ़ भी कहते हैं, जहां पे सेना रहती है, स्टेशन, पोस्ट, ठीक है, फोर्ट, मिलिट्री का जो पोस्ट होता है उसे गैरिसन भी कहते हैं. द सिक्स्थ वर्ड इज कंड्यूसिव. ये वर्ड मैंने पैरा 13 ऑफ द आर्टिकल इंडियन पाकिस्तान सेट टू रिटर्न टू डायलॉग टेबल विद इंडस वाटर मीट से लिया है. उसके पैरा 13 में एक लाइन है इंडियन साइड कन्वेड टू देम दैट इट वॉज नॉट कंड्यूसिव टू होल्ड द मीटिंग एट अटारी चेक पॉइंट. कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव का मतलब होता है टेंडिंग टू ब्रिंग अबाउट, कॉजेटिव, इफेक्टिव, ठीक है, हेल्पफुल, सहायक, हिंदी में उसे कहते हैं, ठीक है. द सेवेंथ वर्ड इज इम्प्रीमेच्योर. ये मैंने आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एज द टेल वेजिंग द डॉग. उसके पैरा वन में एक लाइन है विच इवेंचुअली फ्लड इन इंग्लैंड लेफ्ट इट्स इम्प्रीमेच्योर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल structures. इम्प्रीमेच्योर का मतलब क्या है? अ फॉर्मल एंड एन एक्सप्लिसिट अप्रूवल, ठीक है, यानी कि बिल्कुल क्लियर एक तरीके से फॉर्मल एक्सप्लिसिटली किसी चीज के लिए अप्रूवल लेना, ठीक है, जिसे आज्ञा लेना, जिसे कहते हैं इजाजत लेना, वो चीज. एंडोर्स, अप्रूव्ड, सैंक्शन, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड. एट वर्ड इज अजर्ब. ये मैंने पैरा 8 से लिया है ऑफ द सेम आर्टिकल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एज द टेल वेजिंग द डॉग. उसमें एक लाइन है डज नॉट अजर्ब ऑल पार. अजर्ब का मतलब होता है टेक कंट्रोल ऑफ. मोस्टली किस सेंस में बोलते हैं? अथॉरिटी या पावर का. जब कोई आपसे छीन लेता है, हड़प लेता है कोई पावर, कोई अथॉरिटी, तो उसे कहते हैं अजर्ब, ठीक है, कैप्चर कर ली, कॉन्कर कर लिया, ठीक है. नाइन्थ वर्ड है अमर्टा, ठीक है, ये मैंने टाइटल से ही लिया है जिसका आर्टिकल के टाइटल से लिया है. आर्टिकल है ऑफ जजेस क्लोज प्रोब्स एंड द बार्स अमर्टा.
ठीक है। उमाटा क्या होता है? इट इज अ कोड, ठीक है। इसका एक सेंस ये भी होता है, अ रिफ्यूजल टू गिव एविडेंस टू द पुलिस अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो इस टाइटल में और इस आर्टिकल में ये इंटर रिलेशन है कि जैसे वो कह रहे हैं कि जो सीजेआई, फ्यूचर सीजेआई हैं, वो ही अपने केस पे, अपना केस पे वर्डिक्ट देंगे, ठीक है। उन तो वो मतलब कि विल ही बी एज ऑनेस्ट, या बार जो है, जो भी ये पूरा बेंच है, ये बार है जजेस का, क्या कहते हैं, क्या उन्हें सपोर्ट करेगा कि या फिर ये जो है, जो बार है, ये चीजें हाइड करेगा, ठीक है, उस पे कमेंट है ये। द टेंथ एंड द लास्ट वर्ड इज कोलेजियम। ये भी मैंने सेम ही आर्टिकल से लिया है जिसका नाम है ऑफ जजेस क्लोज प्रोब्स एंड बार्स ओमर्टा, ठीक है। वहां पे पैरा 5 में एक लाइन है, द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम होता है ग्रुप ऑफ एमेच्योर पीपल, अ कमिटी ऑफ इन एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो अभी क्या कहते हैं, जिनको इतना ओवर द टाइम इतना एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, वो एक लोग मिलके कुछ कमिटी बना लें या कुछ उस तरह से, तो उसे बोलेंगे कोलेजियम। सो द 10 वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टूडे आर अनकॉन्शनेबल, एक्सपैट, rampant, a word, garrison, conducive, imprimatur, usurp, omerta, collegium.